हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तारा फास्ट फूड कुकिंग में। आज हम आपके लिए लाए हैं मैगी पिज्जा। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फ्रेंड, सबसे पहले जो हम मैगी का बेस बनाएंगे नीचे से, ठीक है फ्रेंड। मैगी को पहले उबाल लेते हैं हम। देखिए, पूरा वीडियो देखिए और पसंद आया तो लाइक करो यार। जब आप पूरा वीडियो देखते तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कमेंट मारो यार, नाइस तारीफ भाई करके। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए, पहले मैं मैगी को हल्का पका लेता हूँ। ये डाल दिया मैंने ऑयल। चार पैकेट मेरे पास मैगी पड़ी है मैगी पिज्जा के लिए। बोलिए मैगी को आप ज़्यादा पानी में नहीं उबालिए, कम पानी में उबालिए, जिससे जो हमें मैगी चाहिए ड्राई एकदम सूखी सूखी सी। ठीक है फ्रेंड, अब मैं इसमें डाल दूँगा मैगी मसाला। चार पैकेट में चार मैगी मसाले निकले थे मेरे। मैगी पिज्जा के लिए जो है आपको उसका पूरा पानी सुखाना पड़ेगा। मैं इसका पानी जो है मैं पूरा ड्राई कर रहा हूँ। मैंने पूरा जो हमने सुखा देना है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहने देना है। पिज्जा मैगी के लिए, मैगी पिज्जा के लिए ड्राई हो रहा है इसका पानी। आज हम आपको खिलाएगा तारा फास्ट फूड को खिलाया है आपके लिए आज मैगी पिज्जा। ये देखिए, इसका पानी मैंने जो है पूरा ड्राई कर दिया। देखिए मैगी पक चुकी है हमारी। देखिए फ्रेंड, मैगी को जो है हम ठंडा होने के लिए पत्तल में निकाल देते हैं। फ्रेंड पूरा फैला लीजिए, ठंडा, बिल्कुल ठंडा कर लीजिए, क्योंकि बेस जो हमने पिज्जा का बनाएंगे मैगी का बनाएंगे। ये देखिए मैगी पिज्जा सारा फास्ट फूड आया है आपके लिए। आपको अभी तक किसी ने मैगी पिज्जा बना के नहीं दिखाया, वो हम बना के देंगे सारा भाई आपको। ठंडा होने के बाद जो है इसमें मैं कॉर्नफ्लोर मिलाऊंगा, उसके बाद मैं उसको पहले बेस को तवे में सेकूंगा। ठीक है फ्रेंड, ये फ्रेंड मैगी हमारी ठंडी हो चुकी है। इस पर हम जो कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे एक चम्मच, ये देखिए इस तरीके से आप इसमें कॉर्नफ्लोर अरारोट जो से कहते हैं मिला लीजिए पूरा। ये भी गर्म है हमारी मैगी। पिज्जा का बेस जो है हमारा मैगी का बन चुका है, इसको हम तवे में सेक लेते पहले। ये फ्रेंड इस तरीके से आप भी बनाइए, देखिए बहुत टेस्टी बनता है पिज्जा हमारा। पिज्जा का बेस बनाने के लिए जो है आप पहले फ्रेंड पिज्जा का बेस हमारा तैयार हो चुका है, इसको थोड़ा देर सेक लेंगे। अब ये जो हमारी मैगी पक चुकी है, मैगी के पकने के बाद इसमें हम लगाएंगे पिज्जा सॉस। ठीक है फ्रेंड, होममेड पिज्जा सॉस लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, इसमें मैं लगाएंगे होममेड पिज्जा सॉस। ये देखिए इस
के लिए। पत्ता गोभी पहले हल्की सी चारों फैला लीजिए मैगी पिज्जा के लिए। ये डाला मैंने ऑनियन, इस तरीके से उसको प्याज, शिमला मिर्च, देखिए ये डाली गाजर, मेरे पास है मेजरूला चीज, इसको आप बारीक करके कस लीजिए आप। देखिए फ्रेंड मैगी पिज्जा हमारा तैयार हो रहा है। हमारे पास ये देखिए ढक्कन के ऊपर मैंने आग जलाई हुई है, इसके नीचे हमारा तवा पिज्जा रखा हुआ है, जो है हमारा चीज जो है बढ़िया करके पिघल जाएगा और पिज्जा हमारा बहुत बढ़िया करके, सब्जियां भी हमारी पक जाएंगी। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए पसंद आए तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे, बाकी वीडियो में आप कमेंट नहीं मारते, कमेंट तो मारो, नाइस तारी भाई लिखो यार, बड़ा अच्छा लगता था तुम कमेंट मारते हो, लाइक करते हो यार। फ्रेंड खाए जाओ मैगी पिज्ज़ा खाए जाओ, और बताना आपको ये मैगी पिज्ज़ा कैसा लगा, अच्छा लगा बुरा लगा जैसे भी हो आप बताइए, कमेंट करिए। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड पिज्ज़ा चेक कर लेते हैं हम, बड़ा तरीके से बनाए, आहा लाजवाब, मैगी पिज्जा तैयार हो चुका है। अब मैं इसकी कटिंग करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से बनाए हैं, गर्म बहुत हो रहा है अभी, चाकू चलिए आप दिखाता हूँ आपको, जा चीज हमारा गल चुका पूरा, thank you।
खाए जाओ खाए जाओ, मैगी पिज्जा खाए जाओ।